हाई गाईज वेलकम बैक टू अनदर व्लाग प्लस हॉल वीडियो आज का वीडियो होने वाला है लाजपत नगर का ब्लॉग और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैंने एक छोटा सा हॉल भी डाला है आपके लिए उन सभी चीज़ों का जो मैंने वहाँ से परचेज करी सो आई रिसेंटली वेंट टू लाजपत नगर विद माई मॉम एंड दिस वॉज माई फर्स्ट विज़ट टू लाजपत नगर आफ्टर द होल लॉकडाउन थिंग्स सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए कि लाजपत नगर की अब क्या कंडीशन है और मार्केट कितनी खुल गई है और क्या सिचुएशन है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो या नहीं तो मार्केट एंटर करते ही मुझे लेफ़्ट में एक सिल्वर जूलरी का स्टॉल दिख गया था तो इनके पास बहुत सुंदर बैंगल्स थी जैसे कि आप देख सकते हो और इयर रिंग्स बहुत सुंदर थी ऐसे स्टॉल्स आपको पूरी मार्केट में काफ़ी जगह मिल जाएंगे तो आगे बढ़ते हुए मेरे लेफ़्ट साइड पर अब वो लेन है जहाँ पर बहुत फूड स्टॉल्स लगे होते थे डोलमा आंटी मोमोज का स्टॉल जो बहुत फेमस है लाजपत नगर का वो भी यहाँ पे होता था जो कि अब कुछ भी नहीं है फ़िलहाल आगे आप देखोगे शॉप्स वगैरह शोरूम्स वगैरह सब ओपन हो चुके हैं इवन स्टॉल्स और पटरी मार्केट वगैरह भी ओपन है पर लोग बहुत कम थे जिस टाइम मैंने विज़िट किया फिर हमें एक स्टॉल दिखा जो एक आंटी लगा के बैठी थी उनके पास ये बहुत सुंदर बॉक्सेस थे तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो सारा वर्क है वो खुद अपने हाथों से करते हैं पूरा हैंड वर्क है और इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो हंड्रेड रुपीज़ थी बॉक्सेस की और फिर अकॉर्डिंग टू तो साइज़ प्राइसेस थोड़े अप जा रहे थे तो ये जो बॉक्सेस हैं इनके पास ज्वेलरी बॉक्सेस हैं बैंगल बॉक्सेस हैं और इनके पास बहुत सुंदर ऐसे मिरर भी थे जिनके ऊपर भी हैंड वर्क था तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इनसे क्या परचेज़ किया आगे हॉल में देन आगे बढ़ते हुए ये सी शॉप्स आ जाती हैं छोटी छोटी राइट साइड पे पूरी लेन है एक साथ सारी शॉप्स हैं जिन पे आपको बहुत सुंदर वर्क में चुनिया मिल जाएंगी इवन सूट्स मिल जाएंगे पूरे इनके पास फुलकारी वर्क में चुनियाँ गोटा पट्टी वर्क में बहुत सुंदर चुनियाँ हैं देन यहाँ शॉप्स हैं एक साथ इनके पास बहुत प्यारे प्यारे सूट्स हैं प्लाजो सेट्स के साथ शरारा और गरारा सेट्स के साथ मैंने पहले भी इनसे काफ़ी सूट्स परचेज़ किए हैं जो किसी भी ओकेजन पे आपके जा सकते हैं एथनिक वेयर में और ये ऐसे सूट्स इनके पास आपको मिल जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग रेंज फोटीन हंड्रेड फ़िफ्टीन हंड्रेड होगी हर कलर कॉम्बिनेशन में आपको इनके पास सूट्स मिल जाएंगे बट इनके पास जो भी सूट्स होते हैं सारा मटेरियल होता है लाइक like, इनके पास सेमी स्टिच सूट्स होते हैं तो आप उनको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करा के स्टिच uh, करा सकते हैं और साइजेस की कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सेमी स्टिच होता है तो सारे फ्री साइजेस होते हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंगली स्टिच करा सकते हो शॉप्स का एस सच कोई नंबर नहीं है बट अगर आप इस लेन में जाओगे तो आपको एक साथ काफ़ी सारे छोटी छोटी शॉप्स दिख जाएंगी ओपन में तो आपको आइडिया लग जाएगा देन मूविंग ऑन आगे भी कुछ ऐसी ही छोटी छोटी शॉप्स हैं सिमिलर जहाँ पे चीजें मिलती हैं और देन मूविंग ऑन ये शॉप नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन के बाहर स्टॉल लगे हैं बहुत बड़े एसेसरीज के तो एक साइड आप देख सकते हो सारे नेल पेंट्स वगैरह थे और दूसरी साइड आपको बैंगल्स ईयर और हर तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी सिल्वर ज्वेलरी हो गोल्डन ज्वेलरी हो या फिर किसी भी ओकेजन के लिए आपको हैवी ज्वेलरी भी चाहिए इवन जे लाइट चाहिए जैसी मर्जी चाहिए आपको वो इनके पास मिल जाएगी आपको हर तरीके के बैंगल्स भी मिल जाएंगे तो आगे बढ़ते हुए मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पर ऐसा छोटा सा बैनर लगा हुआ था हंड्रेड रुपीज़ सेल में तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करी जो कि बहुत अच्छी निकली हैं मैं आपके साथ आगे हॉल में शेयर करूँगी आप देखना मत भूलना और आगे जब हम गए तो पूरी मार्केट खुली हुई थी बट लोग बिल्कुल नहीं थे मतलब पूरी मार्केट खाली थी उस टाइम लाजपत नगर यूजुअली बहुत भरी हुई होती है जब नॉर्मल डेज होते हैं ये वो लेन है जहाँ पर स्टिलेटोज़ का शोरूम है जहाँ पर बाकी सारे बड़े बड़े फुटवेयर के शोरूम्स हैं ये लेन भी पूरी खाली थी और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली अनाउंसमेंट्स चल रही थी कि कोई भी दुकान आगे नहीं बढ़ाएगा जो कि जनरली दुकान वाले बढ़ा के रखते थे बहुत तो अनाउंसमेंट्स चल रही थी कि अगर किसी ने दुकान आगे बढ़ाई तो उसका फाइन हो जाएगा ये वो इसलिए आप देख सकते हो कोई दुकान अपने लेवल से आगे बढ़ी भी नहीं हुई है जो कि एक तरीके से अच्छा भी है थोड़ा सिक्योरिटी के लिए देन ये एक शॉप मैं आपको दिखाना चाहती थी ये मेरी फेवरेट शॉप है लाजपत नगर की इनसे मैं और मेरी मोम पर्सनली काफ़ी टाइम से बैग्स परचेज कर रहे हैं इनके पास स्लिंग बैग्स की वैरायटी बहुत अच्छी है पर इनकी जो ऑफ़िस बैग्स की और कॉलेज बैग्स की वैराइटी है वो बहुत ही बढ़िया है मैंने इनसे भी एक बैग परचेज़ किया वो भी मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी आगे और इनके पास जो वैराइटी है वो बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाएगी और क्वालिटी बैग्स की इज़ अमेजिंग क्योंकि मैं इनसे इतने टाइम से परचेज़ कर रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इनकी जो क्वालिटी है बैग्स की वो काफ़ी अच्छी है मैं इनका शॉप नंबर और एड्रेस आपको नीचे मेंशन कर दूंगी देन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्लोथ मटेरियल और फैब्रिक्स देन दिस इज़ द शॉप टू गो इनके पास बहुत ही अमेजिंग वैरायटी है फैब्रिक्स की लाइक मोर देन फाइव थाउजेंड टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं इनके पास हर ओकेजन के लिए हर फंक्शन के लिए हर टाइप के लिए आपको इनके पास फैब्रिक्स मिल जाएंगे एंड द गुड थिंग इज़ कि बहुत अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाएंगे बहुत रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे ये जो शॉप है ये एग्जैक्टली exactly लाजपत नगर मार्केट में नहीं है बट इट्स हार्डली फाइव मिनट्स अवे फ्रॉम लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है मैं इनकी सारी डिटेल्स और एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी दे हैव लाइक थ्री फ्लोर्स इन द होल शोरूम जहाँ पर हर फ्लोर पे आपको डिफरेंट वरायटी मिल जाएगी फैब्रिक्स ही बहुत ही सुंदर uh, कुछ फ्लोर पे जैसे ट्रेंडिंग फैब्रिक्स हैं बहुत जो आजकल बहुत इन है साड़ियों के लिए और लहंगों के लिए एंड काफ़ी रीजनेबल रेट्स भी हैं जैसे ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगा था जो आजकल साड़ीज़ के लिए ये बहुत चल रहा है फैब्रिक यू कैन डेफिनेटली विजिट दैम एंड सी द वायटी ऑफ फैब्रिक्स योर टू सब स्टार्ट करते हैं हॉल से जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये एक बहुत ही सुंदर फ्लोरल प्रिंटेड टॉप आई गॉट दिस फॉर जस्ट हंड्रेड रुपीज़ एक जो पटरी मार्केट लगी होती है वहाँ से एंड मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया था क्योंकि फ्लोरल प्रिंट्स मेरे बहुत फेवरेट हैं स्पेशली इन समर्स और इसका क्लॉथ मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं बट इट इज़ क्वाइट ट्रांजी इसकी नीचे इस पेगिटी मे को वेयर करनी पड़ी बट इट लुक्स वेरी क्लासी एंड यू नो वेरी शीक वेन यू पेर इट अप विद योर जीन्स और योर जेगिंग्स एंड योर हील्स आई इवन क्रॉपडेड अप एंड मैंने नॉट बांध ली थी जस्ट टू सी हाउ इट लुक्स एंड इट लुक वेरी गुड दैट वे टू नेक्स्ट इज दिस ब्लैक ड्रेस विच हैज़ फ्लोरल प्रिंट्स अगेन आई गॉट दिस फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज़ और ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि फ्लोरल प्रिंट तो है ही बट इसका जो वेस्ट uh, एरिया है वो भी इलास्टिक है तो इट फिट्स यू रियली वेल ऑन द वेस्ट एंड आई रियली लाइक द स्लीवस ऑल्सो एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज जस्ट बिलो द नी देन इसके अंदर इस कपड़े की लाइनिंग गिवन है टिल योर नीज सो दैट इट कवर्स योर बॉडी टेलियोर नीज एंड उसके बाद जो ड्रेस है दैट इज़ क्वाइट फ्लोई एज यू कैन सी दैन नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल बेज और ऑफ वाइट कलर टॉप आई गॉट दिस फॉर हंड्रेड और वन फिफ्टी एंड मुझे सबसे अच्छी चीज इसकी लगी ये जो नेट की डिटेल्स हैं ऑन इट्स कॉलर एंड इट्स shoulders then it has this black print all over its back and the shoulders too next a few of the accessories that i got usme se ek hai ye pole wale earrings these are quite big aur thode se heavy bhi hain but as you can see ki bahut ye acche lag rahe hain in tino outfits ke sath even maine pair kiye the to unke sath bahut acche lag rahe the then i got this set of bangles for just Rs. 150 rupees और ये off white color में hai looks very pretty वन फिफ्टी रूपीज़ में टोटल एटीन बैंगल्स हैं विद द कड़ाज टू और जो वाइट बैंगल्स हैं उन पर गोल्डन कलर का थोड़ा सा वर्क है सो आई रियली लाइक द होल बैंगल सेट नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल हैंड मिरर फॉर जस्ट वन फिफ्टी रुपीज़ और मैंने ये इसलिए परचेज़ किया क्योंकि इसका जो वर्क था मुझे बहुत सुंदर लग रहा था देन आई थॉट किए मेरी वीडियोज़ में भी यूज़ हो सकता है और वैसे भी मुझे एक हैंड मिरर की काफी टाइम से नीड थी सो आई गॉट दिस इसकी बैक साइड पे और इसकी फ्रंट साइड पे पूरा मिरर वर्क है एंड इट इज इन मल्टी कलर लास्टली आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ग्रे कलर बैग मुझे सिंपल और प्लेन कलर के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं जो आपके किसी भी आउटफिट्स के साथ चले जाएं। आई रियली लाइक द डिटेलिंग्स ऑन दिस वन जो इसकी ब्राउन एजेस हैं एंड देन द गोल्डन चेन एंड आई गॉट दिस फॉर जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज So that was all for today. I hope you enjoyed the haul and I hope you liked the whole video. If you did, go like, share, comment, and subscribe to my channel for more of such videos. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye, take care.